मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आज ज्योतिरा सिंधिया पहुंचे भोपाल एयरपोर्ट। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ अनेक कार्यकर्ता ने किया स्वागत। भोपाल स्टेट हैंगर पर इसके साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार पर सभी भाजपा के मंत्री एकत्रित हुए और ज्योतिरा सिंधिया ने मंत्रिमंडल को दिया बयान। आप बधाई बधाई, आप लोगों को बधाई मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़। कोरोना की वजह से जो ये लंबित मंत्रिमंडल का विस्तार था आज हो चुका है, और जैसे मैंने अंदर कहा था ANI को कि ये मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्माकश, हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जनसेवकों का की सेना का गठन हुआ है। और मेरा एक ही निवेदन है हमारे सारे सम्माननीय जनसेवक मंत्रियों से कि मध्य प्रदेश की आवाज़ को हमें बुलंद करना है, किसान, गरीब और हर एक वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए हम लोगों को संकल्पित होना है और एक प्रगतिकारक सरकार बने, एक विकासशील सरकार बने और मध्य प्रदेश का झंडा देश में हम लोग बुलंद करें। उपचुनाव कितनी बड़ी चुनौती है? 24 देखिए, हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है, और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहाँ हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सदैव जनता का रास्ता अपनाया है, जनता की सेवा का रास्ता अपनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 24 के 24 सीटों में जनसेवकों की भाजपा का झंडा बुलंद होगा और पूर्ण रूप से इन 15 महीनों के भ्रष्टों की सरकार को जवाब मेरी जनता देगी। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है, और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। बहुत बढ़िया सर, अच्छी लाइन दी सर आपने।